Hey guys, this is me, your host, your dost Prerna Sharma and welcome to my channel. और आज जो चटनी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो कॉर्न की चटनी, उसके लिए मैंने ली है वन बोल ऑफ बॉयल कॉर्न, हाफ मैंने ली है येलो बेल पेपर, हाफ बोल ऑफ अनियन, थोड़ा सा मैंने भुना हुआ चने की दाल, 7 से 8 गार्लिक मैंने लिए हैं, हाफ लेमन हमने लिया है, 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल हम यहाँ पे लेंगे, थोड़ा सा जीरा लिया है हाफ टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, 8 to 10 करी लीव्स एंड साथ ही मैंने लिया है 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 साबुत लाल मिर्च. सो ये सभी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 2 to 3 स्पून हमारा ऑयल, साथ ही में ऐड कर देंगे हम जिंजर एंड गार्लिक और हमारे अनियन, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे रोस्टेड चना दाल, येलो बेल पेपर्स, कॉर्न और थोड़ा सा सॉल्ट. इसको हम अच्छा सा टॉस देंगे और करीबन 5 से 6 मिनट इसको हमें पकाना है अच्छे से और ये टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग लगती है गाइस. और अब इसके साथ ही हम इसको कर देंगे कवर और इसको हम कुक करेंगे 5 to 6 मिनट्स के लिए सिम गैस. यहाँ पे हमारे कॉर्न का मिक्सचर अच्छे से पक चुका है, इसको कूल डाउन करेंगे, उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे जार में डाल एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स एज यू ऑल कैन सी हमारा जो कॉर्न का मिक्सचर था अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बहुत स्मूथ का इसका पेस्ट बन चुका है. और अब हमें क्या करना है, हम लेंगे सेम पैन, उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल और उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी, अ पिंच ऑफ टर्मरिक हम डालेंगे ताकि इसका जो कलर है अच्छे से उभर के आए और एक प्रॉपर येलो कलर हमें मिलेगा. तो बस जैसे ही हमारी हल्दी अच्छे से पक जाएगी हम उसमें ऐड कर देंगे हमारा कॉर्न का मिक्सचर और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ लेमन जूस, उसको भी हम देंगे एक अच्छा सा टॉस. उसके साथ ही हमें अच्छे से इसको पकाना है करीबन 3 to 4 मिनट्स के लिए. हमारी चटनी हो चुकी है रेडी, अब हम तैयार करते हैं उसके लिए तड़का. फॉर तड़का आई एम यूजिंग 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा राई और जीरा, 1 साबुत लाल मिर्च मैंने यूज़ की है, 3 to 2 करी लीव्स एंड हियर वी गो. और यहाँ हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे मैंने उसको डोसे के साथ सर्व किया है. अगेन सेम जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सैंडविच स्प्रेड, पराठे पे स्प्रेड कर सकते हैं, आप कॉर्न पुलाव इसके साथ बना सकते हैं. इट्स वेरी क्विक रेसिपी. और बस बताइए आप लोग को मेरी ये थर्ड रेसिपी और थर्ड चटनी ऑफ दिस वीक कैसी लगी. और अगर आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ उसका फ़ोटो एक मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बस फाइनली जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट. और बस मेरे वीडियो यही ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए. मैं आपको मिलती हूँ कल मेरी 4th चटनी के साथ. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.